Hello everyone, welcome to my channel, Dr. Gunjan's Classes. I'm Dr. Gunjan, and today we are going to do the part 5 of our chapter number 2, that is acids, bases and salts. So ये हमारी class 10th CBSE की class 10th का second chapter है, आपकी NCERT book का second chapter है. इसके हम लोग चार parts इस topic चार टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज हम पार्ट 5th करने वाले हैं. तो इस पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कंटेंट स्टडी करने वाले हैं. हम लोग बात करने वाले हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में. ठीक है, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले बेस का रिएक्शन हम देखेंगे मेटल्स के साथ, देन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज अ रेपिटेशन. मैंने आपको बोला था इट विल कम अगेन एंड अगेन, सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. ठीक है, देन हम बात करेंगे कि एसिड और बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है और एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस. ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन, जब हम लोग किसी भी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सिमिलर रिजल्ट, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाएगी. ठीक है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस, गैसियस फॉर्म. गैसियस फॉर्म में हमें कैसे पता लगता था? हमने एक टेस्ट किया था, हम एक बर्निंग कैंडल गैस के पास लेकर आएंगे. सो इफ इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, दैट मींस हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग आउट. तो हम लोग अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो जो हमारा बेस होता है, तो हमने बात की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो बेस कैसे OH ग्रुप लगा हुआ है, जब इसको हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? ये एक सॉल्ट बन जाएगा. तो ये बनेगा क्या? Na2ZnO2. तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट. तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल के साथ जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाती है. सो सिमिलरली हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हमें क्या बन जाता है? हमारे पास बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाती है. सो दिस इज सिमिलर रिजल्ट जो हमारे एसिड्स के साथ मिलते थे हमें, सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. बट रिएक्शंस आर डिफरेंट. उसमें एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल से तो एक सॉल्ट कौन सा बन रहा था? वो जो बन रहा था उसको देखने आपने, उसको किस तरह से. यहाँ पे बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है बन तो सॉल्ट ही रहा है, बट आपको रिएक्शन तो समझ में होनी चाहिए, आपको एग्जाम्पल तो पता होनी चाहिए रिएक्शन की. तो जब आप उसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे. ठीक है, और रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. बैलेंस रिएक्शन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, विद योर फिजिकल स्टेट्स. देन कम्स द अनदर रिएक्शन जो कि हमारी बेस की रिएक्शन जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या देंगे? क्या दे रहे थे वो? सॉल्ट बना रहे थे और वॉटर बन रहा था. ठीक है, जब वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस रिएक्ट कर रहा है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब वो रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट Na2CO3, पर वाटर रिलीज आउट हो जाएगा. सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, साथ में वाटर बन जाएगा इन द प्रोडक्ट साइड. ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देखिए, समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए. देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच इज अ रिपीटेशन, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वॉटर फॉर्म होता है. दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज उनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है. इसकी एग्जाम्पल आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, HCl स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, NaOH, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना देते हैं जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको हम खाते भी हैं. ठीक है, तो दिस इज NaCl, दिस इज वॉटर इज रिलीज. देन अनदर एग्जाम्पल, HCl जब CaOH2 के साथ कैल्शियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है और वाटर भी प्रोडक्ट में फॉर्म होता है. दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखी.
Then what happens to an acid or a base in a water solution? जो वॉटर में हम लोग एसिड और बेस का क्या होता है तो हमें पता है जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की एसिड में और हाइड्रोक्साइड आयंस की बेस में वो एसिडिटी और बेसिसिटी को उसकी कंसेंट्रेशन को शो करता है. ठीक है, कंसेंट्रेशन की बात करें हम लोग, स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, कंसेंट्रेशन की बात. जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाते हैं. जब हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है एसिड के, उनका वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाता है. सिमिलरली जब आप बेस को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन. डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू द वाटर इज टर्म्ड एज डाइल्यूशन. और एसिड और बेस जो डाइल्यूट किए जा रहे हैं पानी के अंदर उनको बोला जाता है डाइल्यूटेड. तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब इसमें बहुत एनर्जी रिलीज आउट होती है. पर आपको हमेशा एक बात हमेशा याद रखनी, चाहे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं लैब्स में और कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे, मैंने रेड लाइन में रेड रेड बोल्ड लेटर्स में लिखा है यहाँ पे, कि आप लोग पानी के अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस तो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, पानी में एसिड और बेस स्मॉल अमाउंट में ऐड कर सकते हैं, बट वॉटर एसिड और बेस के अंदर नहीं डाल सकते. दैट इज अ बिग क्रॉस. यू कैन नेवर एड वॉटर टू एसिड और बेस, बिकॉज इफ यू एड वॉटर टू अ कंसेंट्रेटेड एसिड और अ बेस तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी और जिसके कारण जो भी आपका आप जिसमें भी डालेंगे दैट कैन बर्स्ट आउट, डैमेज होने के चांसेस है, बिकॉज इट्स अ वेरी करोसिव प्रोसेस, बहुत ज्यादा रिएक्टिव प्रोसेस हो जाएगा जिसके कारण सिवियर डैमेज हो सकता है. सो ऑलवेज रिमेम्बर, यू कैन एड एसिड और बेस इन टू अ वॉटर, बट वॉटर कैन नेवर बी एडेड टू एन एसिड और अ बेस. ओके, देन इज हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं एसिड और बेस की. तो ये हमने पहले भी देखा था कि ये हमने पीएच मीटर है हमारा, तो हमारा यहाँ पे 7 था, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है. 7 से नीचे जाते हुए इसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाती है और 7 से आगे की साइड पे राइट साइड पे जब हम मूव करते हैं इसकी बेसिक नेचर इंक्रीज कर जाती है. तो जब ये एसिडिक नेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन आयंस की कंसेंट्रेशन इस साइड पे इंक्रीज हो रही है. और बेसिक कंसेंट्रेशन का मतलब इंक्रीज होने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन आयन जो एच पॉजिटिव आयन उनकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. बट अपोजिट अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ती है किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे. ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन इस साइड पे डिक्रीज होती है. ठीक है, इट डिक्रीजेस. सो दिस नीचे वाला एरो शोज डिक्रीज एंड दिस ऊपर वाला एरो शोज इंक्रीज. सो एच पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, ओ एच नेगेटिव डिक्रीज करेगा. एच पॉजिटिव डिक्रीज करेगा, ओ एच नेगेटिव इंक्रीज करेगा. तो जो बीच का है पार्ट दैट इज न्यूट्रल, सो दैट इज अ वॉटर. वॉटर जो है वो न्यूट्रल है और इधर की साइड पे जो है वो एसिडिक नेचर है, इस साइड पे बेसिक नेचर. ओके, सो दिस कवर्स योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू एंड गो थ्रू दिस वीडियो एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट्स you can comment in the comment box. You know, I will surely answer the questions. Okay. Then in the next video, we are going to do about the pH. pH हमारी everyday life में उसकी importance के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ठीक है? With examples. So thank you so much. And if you like this video, make sure to press the like button and subscribe this channel by pressing the bell icon. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow.